एक पहला सब्जेक्ट जो है वो है कास्ट अकाउंटिंग, और दूसरा सब्जेक्ट जो है वो है फाइनेंस से मुतल्लिका। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंस का जो सब्जेक्ट है उसे। फाइनेंस की जो किताब आपने जिससे हम पढ़ेंगे, जिससे गाइडेंस लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो किताब उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजेरियल फाइनेंस। ये किताब मार्केट में अवेलेबल है, 11th एडिशन इसका आप ले लें, गिटमैन की लिखी हुई है ये। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से तो वैन हॉर्न की किताब भी रिकमेंडेड है, बल्कि नंबर 1 पे वो रिकमेंडेड है, लेकिन चूंकि उस किताब में प्रैक्टिस नहीं है, सवाल बहुत कम है, एक्सरसाइजेस कम है, तो इसलिए हम इसको फॉलो करेंगे। इसमें एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स का बड़ा होता है तो स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस हो जाती है। इस बात से कतई नज़र के जी पेपर कहाँ से बनता है या सवाल कहाँ से आते हैं, हमने इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए देखना यह है कि हमें फाइनेंस आनी चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, किसी भी किताब का हो, इसे हमें कोई गर्ज नहीं। हमने बेसिक इसके रूल्स पढ़ने हैं, इसको समझने की कोशिश करनी है। जब बेसिक हमें आ जाएंगी और इसके रूल्स आ जाएंगे, फिर क्वेश्चन कहीं से भी आता हो वो कोई मसला नहीं होता, कोई इशू नहीं होता, स्टूडेंट्स के लिए भी और जिसने सीखा है उसके लिए। तो तरीक़ेकार जो मैंने अडॉप्ट किया है, चूंकि मेरे लिए भी नया है, आपके लिए भी नया है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम रहेगा। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप भी इसको समझ जाएंगे, मैं भी इसको समझ जाऊंगा, इसको ऑपरेट कैसे करना है, चलाना कैसे है। मजीद ये कि मेरा मोबाइल नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, मीटिंग जो हमारी जूम पे होती है, या इसमें कोई चीज़ जो है इसको इस तरह अगर एक्सप्लेन कर दिया जाए, या ये मेथड अडॉप्ट कर लिया जाए तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो इंशाल्लाह जैसे आप बताएंगे उसके मुताबिक फिर हम इसको चेंज करेंगे, इसमें इम्प्रूवमेंट्स लाएंगे। मैंने जो प्रोसीजर फॉलो किया है वो ये है कि हम हर चैप्टर की स्लाइड्स को डिस्कस करेंगे। स्लाइड्स आपके पास स्क्रीन पे आएंगी, स्लाइड में से जो पोर्शन हम डिस्कस कर सकेंगे या डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद उसके उन स्लाइडों की तफसील जो है, या वो डिस्कशन जो हमारी होगी उसकी जो तफसील है, वो मैं नोट्स की शक्ल में आपको व्हाट्सएप पे दे दिया करूँगा, और आगे आपने उसे याद करना है, उसे डिस्कस मजीद करना है। थ्योरी का जो सिलसिला है वो तो इसी तरह ही चलेगा। जब न्यूमेरिकल आएंगे हमारे, तो जाहिर है कि न्यूमेरिकल के लिए भी बेसिकली तो पहले थ्योरी होती है, तो उसको हम पहले उनकी थ्योरीज को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस किया करेंगे न्यूमेरिकल की भी इंशाल्लाह। तो इस तरह हमारा काम आगे चलेगा, मजीद हम साथ साथ इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। टाइम के हवाले से ये है कि टाइम ये मेरे ख्याल में मुनासिब है, क्योंकि सब लोग फ्रेश होते हैं, नाश्ता करके फारिग हो चुके होते हैं, तो हम 9 बजे शुरू किया करेंगे। एक दिन हमारा फाइनेंस हो जाया करेगा, और एक दिन हम कास्ट कर लेंगे, या पहले 3 दिन हम कास्ट कर लेंगे, आखिरी 3 दिन हम फाइनेंस, तो इस तरह वो हम आपस में कर सकेंगे इंशाल्लाह। वो आप तक मैसेज आ जाया करेगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं जी, अपना पहले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। स्लाइड्स हैं ये, मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, आप इसको साथ साथ समझते भी जाएं, तो कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कशन भी मेरे साथ आप कर सकते हैं। ये स्लाइड्स जो हैं जनाब, मैं इसको थोड़ा सा देख लूँ कि स्क्रीन शेयर आपके साथ करते हैं जनाब, शेयर कर लेते हैं। इस वक्त आपके सामने
ये स्लाइड्स आ चुकी होंगी, क्योंकि स्लाइड्स जो है आपको नजर आ रही हैं, आपके सामने हैं या नहीं है थोड़ा सा मुझे बताएं। आप चाहें तो इसको क्यों भाई स्लाइड्स आपको नजर आ रही हैं थोड़ा सा बताएं मुझे। थोड़ा सा मुझे गाइड करें कि स्लाइड्स जो है वो आप तक पहुंच रही हैं, आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे। क्यों भाई कोई मुझे बताए ना कि आपके पास स्लाइड्स आ रही हैं, नजर आ रही हैं, नहीं आ रही। हाँ भाई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि स्लाइड नजर नहीं आ रही। स्पीकर ऑन करके बताएं भाई कि स्लाइड्स नजर आ रही हैं या नहीं आ रही। श्यामा आपको स्लाइड नजर आ रही है या नहीं आ रही भाई? श्यामा हेलो सर, स्लाइड नजर आ रही है सर हमें तो? जी सर बिल्कुल नजर आ रही है। नहीं नजर आ रही स्लाइड सर, नजर आ रही हैं। अच्छा आपको नजर आ रही है, लेकिन ये स्टार्ट कर, बाकी लोग हैं ये कुछ कह रहे हैं कि जी हमें कुछ नजर नहीं आ रही स्लाइड्स। एक मिनट में अगेन जो है ना वो करता हूँ, शेयर करता हूँ स्क्रीन। चले जी शुरू करते हैं पहला चैप्टर और इस चैप्टर के लर्निंग गोल्स। इस चैप्टर के पढ़ने के मकासद क्या हैं, इस चैप्टर से हमें क्या हासिल होना चाहिए। लर्निंग गोल वन है डिफाइन फाइनेंस एंड द मैनेजेरियल फाइनेंस फंक्शन। इस चैप्टर के पढ़ने में हमारा पहला मकसद ये है कि हम ये बता सकें कि फाइनेंस होती क्या है, फाइनेंस की डेफिनेशन क्या है, इसको डिफाइन कर सकें, और मैनेजेरियल फाइनेंस फंक्शन बतौर फाइनेंस मैनेजर या जब हम फाइनेंस का काम कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारियां क्या होंगी, ये हमने एक्सप्लेन करना है।
दूसरा लर्निंग गोल नंबर टू है जी, डिस्क्राइब द लीगल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम ये बयान कर सकें कि कानूनी तौर पर कारोबार कितनी किस्म के होते हैं, उनकी इकसाम क्या है। तीसरा, डिस्क्राइब द गोल ऑफ द फर्म, किसी भी फर्म का मकसद क्या है, ये हम बता सकें कि एक फर्म जो बिजनेस कर रही है या कुछ भी कर रही है वो किस मकसद के लिए कर रही है। एंड एक्सप्लेन व्हाई मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म इज एन एप्रोप्रिएट गोल फॉर आर बिजनेस। पहले तो ये कि हम ये बता सकें कि फर्म का मकसद क्या है। दूसरा, फिर हम ये बताएं कि फर्म की वैल्यू को बढ़ाना या मैक्सिमाइज करना या ज़्यादा करना ही किसी भी कारोबार का मकसद क्यों होता है, कि ये ऐसा क्यों होता है कि कोई भी कारोबार जो है वो वैल्यू को बढ़ा रहा होता है, यही उसका बेसिक मकसद होता है, इसको हम एक्सप्लेन कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट बेटा स्लाइड है, लर्निंग गोल फोर है, डिस्क्राइब हाउ द मैनेजेरियल फाइनेंस फंक्शन इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग। हम ये बताएंगे कि मैनेजेरियल फाइनेंस जो है उसका इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग के साथ क्या ताल्लुक बनता है, क्या रिलेशन बनता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर। एक फाइनेंस मैनेजर जो है, जब किसी शख्स को किसी इदारे को में उसे फाइनेंस मैनेजर की असाइनमेंट दी जाती है, फाइनेंस मैनेजर की ड्यूटी दी जाती है, तो वो कौन कौन से काम परफॉर्म करता है, उसका फंक्शन क्या होता है, वहाँ पे बैठ के उस ऑफिस से वो क्या कर रहा होता है उस इदारे के लिए। लर्निंग गोल सिक्स, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बिटवीन द ओनर्स एंड मैनेजर्स ऑफ अ कारपोरेशन। लर्निंग गोल नंबर छः, इस चैप्टर के पढ़ने का छठा मकसद यह है कि हम इस पोजिशन में आ जाएं, ये बता सकें कि प्रिंसिपल और एजेंट का ताल्लुक क्या होता है। प्रिंसिपल मालिक को कहते हैं और एजेंट्स कहते हैं मैनेजर्स को या उसके नुमाइंदे को। हम जानते हैं बड़े इदारों में, खुसूसन जायंट स्टॉक कंपनीज, जिसे हम पाकिस्तान में जायंट स्टॉक कंपनीज कहते हैं, अमेरिका यूरोप में उसे कारपोरेशंस कहा जाता है। कारपोरेशन का जो कारोबार होता है वो उसके शेयर होल्डर्स नहीं चला रहे होते, बुनियादी तौर पे शेयर होल्डर्स ने कुछ लोगों को हायर किया होता है या इलेक्ट किया होता है, जिनको हम डायरेक्टर्स कहते हैं या मैनेजर्स कहते हैं। तो डायरेक्टर्स या मैनेजर्स जो हैं वो मालिकों के बिहाफ पर काम करते हैं। तो ये हमने बताना होता है कि मालिकों का और मैनेजर्स का जो है वो एक फर्म के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है। एंड एक्सप्लेन हाउ वेरियस कॉरपोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म अटेम्प्ट टू मैनेज एजेंसी प्रॉब्लम्स। ये जो ओनर्स का और मैनेजर्स का आपस में ताल्लुक होता है और मैनेजर्स जो हैं वो ओनर्स के बिहाफ पे काम करते हैं, इस ताल्लुक को कहते हैं एजेंसी रिलेशनशिप। अब एजेंसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि आम तौर पे ये एक बात लोग कह देते हैं कि जी मैनेजर्स को हमने हायर किया है, बट वो हमारे मकासद की बजाय अपने मकासद को प्रायोरिटी देते हैं, उसके लिए काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जब ऐसी सूरत हाल हो कि एजेंट्स जो हैं या हमारे मैनेजर्स जो हैं वो हमारे असल मकासद की तरफ नहीं आ रहे होते, तो ये एजेंसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इसको कहते हैं एजेंसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब ये एजेंसी प्रॉब्लम्स जब क्रिएट होते हैं तो इनको कंट्रोल करने के लिए और इनको सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ जो हैं बॉडीज गवर्नमेंट ने बनाई होती हैं और जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं इनके लिए, तो वो इसको कौन कौन सी क्या मैकेनिज्म है जो इन मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी हमने देखना है। सो उसके बाद हमारे पास अब लर्निंग, ये हमारे 6 लर्निंग गोल्स थे। इस चैप्टर के अब वन बाय वन हम इंशाल्लाह इसको पढ़ते हैं।
स्टार्ट करते हैं। पहला था हमारा कि हम ये डिफाइन कर सकें कि फाइनेंस क्या है और मैनेजेरियल फाइनेंस फंक्शंस क्या है। तो आपके सामने है कि व्हाट इज फाइनेंस। फाइनेंस कैन बी डिफाइंड एज द साइंस एंड आर्ट ऑफ मैनेजिंग मनी। इंतहाई शॉर्ट और बड़ी जामे तारीफ है कि फाइनेंस जो है वो दरअसल साइंस है और आर्ट है। किस चीज की साइंस है और क्या आर्ट है? मैनेजिंग मनी, रकम को मैनेज करने का इल्म और फन जो है वो फाइनेंस कहलाता है। साइंस इस हवाले से कि जब हम किसी शय का इल्म हासिल करते हैं तो वो साइंस है, लेकिन जब उस इल्म को प्रैक्टिकली जब हम अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में तो फिर वही साइंस जो है वो आर्ट बन जाती है। तो रकम को मैनेज करने का जो इल्म है और फन है वो फाइनेंस कहलाता है। अपनी अमली जिंदगी में अगर हम इनफरादी तौर पर फर्ज करें, बात करें, तो हम देखते हैं कि जी हमारे पास जो रकम होती है हम उसे बिना सोचे समझे खर्च नहीं करते, बल्कि एक समझदार आदमी क्या करता है कि उसके लिए प्लानिंग करता है कि ये मेरे सोर्सेज हैं, इतनी मेरे पास रकम है और ये रकम मैंने अपनी ज़रूरियात पे इस तरह खर्च करनी है। जिस बजटिंग करता है कि कुछ रकम मैंने इस काम के लिए खर्च करनी है, कुछ फलां काम के लिए, कुछ फलां काम के लिए, कुछ मैंने बचानी भी है सेविंग के लिए, इन फ्यूचर रेनी डेज के लिए, मुस्तकबिल में मुश्किल हालात पेश आते हैं। तो इसी तरह जिस तरह आपको मतलब स्टूडेंट्स हैं, आपको पॉकेट मनी मिलती है तो आप उसको मैनेज करते हैं। अब ये नहीं है कि पॉकेट मनी आज मिली और गए और दोस्तों के साथ उड़ा दिया, खा लिया, पी लिया या कुछ ये कर लिया, एक दिन में नहीं करते आप। आज़ाहिर आपने देखना है कि भाई ये आज जो पैसे मिले हैं, सपोज आपको 1,000 रुपये मिला है, मुझे आज ये पैसे मिले हैं तो नेक्स्ट मुझे महीने बाद मिलने हैं, तो ये 1,000 रुपये मैंने एक महीने में यूज़ करना है, इसको मैंने मैनेज करना है कि मैं कितनी रकम किस तरह कब खर्च करूँ। तो ये इनफरादी तौर पर मैनेजमेंट होगी। और अगर बिजनेस के हवाले से देखें तो बिजनेस में जाहिर है कि जो कारोबार के मालिक होते हैं या मैनेजर्स होते हैं वो कारोबार के सोर्सेज को देखते हैं कि कारोबार के पास पैसा है कितना, चाहिए कितना है, फ्यूचर में इसकी प्लानिंग करना। तो रकम या फाइनेंस या माली वसाइल जो हैं उनकी मैनेजमेंट जो है उनकी मैनेजमेंट का इल्म और फन जो है वो फाइनेंस कहलाता है। एट द पर्सनल लेवल, अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्यों हुई है उन्होंने इनफरादी तौर पर, फाइनेंस इज कंसर्न्ड विद इंडिविजुअल्स डिसीजंस अबाउट हाउ मच ऑफ देयर अर्निंग्स दे स्पेंड। इंडिविजुअल क्या करते हैं, ये फैसला करते हैं कि अपनी अर्निंग्स में से कितना जो है स्पेंड करें, हाउ मच दे सेव, कितना इसमें से बचा के रखें, एंड हाउ दे इन्वेस्ट देयर सेविंग्स, और जो बचा लिया है फिर इसे कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ पर इन्वेस्ट करें जहाँ पे ये रकम पड़ी ज़ाया ना हो बल्कि ग्रो करे, मजीद रकम जनरेट हो जाए। इंडिविजुअल लेवल पे ये प्लानिंग है, ये मैनेजिंग है अपनी। इन अ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, कारोबार के नुक्ता नज़र से, कारोबार के कॉन्टेक्स्ट में, तसव्वुर में, ये कारोबार के हवाले से, फाइनेंस इन्वॉल्व्स द सेम टाइप्स ऑफ डिसीजंस। फाइनेंस में इसी तरह के जो है वो डिसीजंस होते हैं। हाउ फर्म रेज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स, कि फर्म जो है वो इन्वेस्टर्स से किस तरह रकम हासिल करे। आपने ये पढ़ा होगा इब्तदाई क्लासों में, जिन्होंने पहले कॉमर्स का जिनका बैकग्राउंड है, और यकीन आपने पढ़ लिया, जिनका नहीं था कि पिछले साल आपने पढ़ा है कि फर्म्स जो हैं वो इन्वेस्टर्स से तीन ज़राए से, मुख्तलिफ ज़राए से पैसे हासिल करती हैं, शेयर्स बेचती हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं। तो यहाँ पर तो यह है कि जी फर्म इन्वेस्टर्स से किस तरह रकम हासिल करे, क्या डिबेंचर्स इशू करके पैसे लिए जाएँ या शेयर्स करके, शेयर बेच कर पैसे लिए जाएँ। हाउ फर्म इन्वेस्ट मनी इन एन अटैम्प्ट टू अर्न अ प्रॉफिट, वो पैसा जो फर्म के पास आ जाए उसे किस तरह मतलब है कि प्रॉफिट अर्निंग के लिए इस्तेमाल किया जाए, कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए कि प्रॉफिट हो, एंड हाउ दे डिसाइड वेदर टू री इन्वेस्ट प्रॉफिट्स इन द बिजनेस, और फिर ये फैसला करना कि जो प्रॉफिट हमें हो गया है उसे दोबारा कारोबार में लगाया जाए और डिस्ट्रीब्यूट देम बैक टू द इन्वेस्टर्स। अब जो पैसा कारोबार लगाता है, इन्वेस्ट करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, वो शेयर होल्डर्स का होता है। तो इन्वेस्टर्स का पैसा जो है, जब हमने इन्वेस्टर के पैसे की मदद से प्रॉफिट कमा लिया,
अब फिर ये फैसला करना है कि वो प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टर्स को दे दिया जाए या इसी पैसे को दोबारा इन्वेस्ट कहीं कर दिया जाए, मजीद दौलत जनरेट की जाए, वही मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म, फर्म की वैल्यू को बढ़ाया जाए। तो नेक्स्ट स्लाइड बेटा देखें, कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन फाइनेंस। आप यहाँ इस वक्त पढ़ रहे हैं, जाहिर है कि मोस्टली हम मीडियोकर लोग हैं, हम जैसे लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि कहीं कोई जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए। तो जब आप ये इल्म हासिल कर लें, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लें, तो फाइनेंस के शोबे में जो लोग जॉब्स करते हैं उनके हवाले से है कि वो क्या करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के हवाले से। फाइनेंशियल सर्विसेज इज द एरिया ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का एक एरिया है जिसमें आप लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, कंसर्न विद द डिज़ाइन एंड डिलीवरी ऑफ एडवाइस एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। जिसमें इसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में कि आप जो है या कोई भी फाइनेंस के लोग, कुछ कोई भी शख्स फाइनेंस का जो है वो डिज़ाइन करता है कोई, या कोई एडवाइस देता है, गाइडेंस देता है, या कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए उसकी डिज़ाइनिंग करता है, या बिजनेस के लिए करता है, या गवर्नमेंट के लिए करता है। यानी उनको कोई प्लानिंग बना के देना, कोई मंसूबा बना के देना, कोई एडवाइस करना, कोई गाइडेंस देना, या कोई प्रोडक्ट्स जो है वो बना के देना, ये सारी की सारी जो है ये फाइनेंशियल सर्विसेज में आती हैं। अगर कोई शख्स फाइनेंस के कैरियर को अडॉप्ट करता है तो एक तो ये है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज इंक्लूड बैंकिंग, बैंक्स में जॉब कर ली तो ज़ाहिर है कि फाइनेंस की डीलिंग है सारी, वहाँ पर आप लोगों ने फाइनेंस ही को डील करना होता है। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग है, जाती फाइनेंशियल प्लानिंग किसी की है उसके लिए गाइडेंस, इवन बैंक्स भी जब आप बड़े बड़े कारोबारी इदारे जो हैं उनको गाइडेंस भी देते हैं, इंफरादी तौर पे भी गाइडेंस देते हैं कि अच्छा इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से गाइडेंस दी जाती है कि भाई फलां जगह पर इन्वेस्ट करें, फलां जगह पर ना करें, फलां कंपनी के शेयर्स खरीद लें, फलां के ना खरीदें, तो ये गाइडेंस भी दी जाती है। रियल इस्टेट जायदाद वगैरह की खरीदारी के हवाले से गाइडेंस दी जाती है। एंड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनीज भी जो हैं वहाँ पे भी, क्योंकि उनके पास भी पैसा होता है तो इंश्योरेंस में भी आप जा सकते हैं, इधर की गाइडेंस भी दी जा सकती है। तो फाइनेंस के लोग जो हैं ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं। ये शोबे बता दिए हैं कि एडवाइस करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में चले गए, पर्सनल फाइनेंस की गाइडेंस दे दी, इन्वेस्टमेंट के हवाले से गाइडेंस दे दी, प्रॉपर्टी के हवाले से गाइडेंस दे दी, रियल एस्टेट में या इंश्योरेंस के हवाले से, तो ये वो गाइडेंस देते हैं। नेक्स्ट है कैरियर अपॉर्चुनिटीज फाइनेंस चल रहा है अभी, ये मैनेजेरियल फाइनेंस। वो पीछे वाला जो था वो था फाइनेंशियल सर्विसेज के हवाले से, और ये है मैनेजेरियल फाइनेंस के हवाले से, मैनेजर के बारे। Managerial finance is concerned with the duties of the financial manager working in a business. Managerial finance के हवाले से जो है वो ये देखा जाता है कि अगर आपको किसी इदारे में फाइनेंस का मैनेजर बना दिया जाता है, किसी बिजनेस में किसी भी कंसर्न, तो आपकी ड्यूटीज क्या होंगी इस हवाले से है। फाइनेंशियल मैनेजर एडमिनिस्टर द फाइनेंशियल अफेयर्स, माली मामलात या कि कोई का इंतज़ाम करते हैं, ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, तमाम किस्म के कारोबार, जितने भी किस्म के कारोबार होते हैं उनमें फाइनेंशियल मैनेजर उनके माली मामलात को देखते हैं, चाहे वो बिजनेस प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक यानी गवर्नमेंट का हो, लार्ज बिजनेस हो, स्मॉल बिजनेस हो, प्रॉफिट कमाने वाला इदारा हो, या ऐसे इदारे जो नॉट प्रॉफिट फॉर मेकिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट है। कुछ ऐसे इदारे भी होते हैं जिनका मतलब प्रॉफिट कमाना नहीं होता, अमूमन गवर्नमेंट के बाज़ इदारे मसलन देखें कि सरकारी अस्पताल जो हैं उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, गवर्नमेंट के तालीमी इदारे हैं इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। बाज़ इदारे वैसे बनाए गए होते हैं लोगों की खिदमत के लिए, फलाह बहबूद के लिए, ईडी फाउंडेशन है, इस तरह के इदारे प्रॉफिट नहीं कमाते। तो चाहे कैसा भी इदारा हो, फाइनेंस का जो मैनेजर है वो उनके माली मामलात को देखता है, क्योंकि पैसा तो बहरहाल हर जगह इन्वॉल्व होता है, यह है कि किसी जगह थोड़ा किसी जगह ज्यादा। दे परफॉर्म सच वेरीड टास्क, वो इस तरह के मुख्तलिफ जो है वो मकासद के टास्क जो है उनको हासिल करता है। एज डिवेलपिंग अ फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंशियल प्लान डिवेल्प करता है या बजट बनाता है, एक्सटेंडिंग क्रेडिट टू कस्टमर्स, ग्राहकों को उधार देना,
ये फैसला करना है कि ग्राहकों को किस शख्स को उधार दिया जाए, किस शख्स को उधार ना दिया जाए, किस हद तक दिया जाए, ये फैसला करना, इवेल्युएटिंग प्रपोज्ड लार्ज एक्सपेंडिचर। कारोबार के बड़ों ने, डायरेक्टर्स ने फैसला किया है कि जी हमने बहुत बड़ी जगह पे एक्सपेंड करना है बिजनेस को, या कहीं पे बहुत बड़ी रकम लगानी है, फर्ज करें मशीनरी और लेके आनी है, या बिजनेस एक्सपेंड करना है, बड़ा खर्चा है, तो उसके बारे में वो इवेल्युएट करेगा कि इतना बड़ा खर्चा जो है इसको देखा जाए कि ये सही भी है या नहीं है, और अगर है तो इसके लिए पैसे कहाँ से पूरे किए जाएँ, कहाँ से दिए जाएँ। एंड रेजिंग मनी टू फंड द फर्म ऑपरेशन, फर्म ने जो काम करने हैं उसके लिए जितना फंड चाहिए उसका, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना, पैसे का असूल भी फाइनेंशियल मैनेजर का काम है। यानी मेन तो वही है कि मनी या पैसे की प्लानिंग, दो चीज़ें हैं, इदारे को पैसा चाहिए, कितना चाहिए, किस वक्त चाहिए, उस वक्त होना चाहिए, ये उसका इंतजाम करना फाइनेंशियल मैनेजर का काम है। और अगर इदारे के पास पैसा एक्स्ट्रा आ गया है तो उसको रखना नहीं है, जाहिर उसे कहीं फौरन इन्वेस्ट करना है, सेफ जगह पे इन्वेस्ट करना है जहाँ से अर्निंग हो, तो ये फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है। आगे चल रहा है जी, कंटिन्यूड है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन फाइनेंस, मैनेजरियल फाइनेंस, द रिसेंट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड सबसिक्वेंट रिस्पॉन्सिस बाय गवर्नमेंटल रेगुलेटर्स, इंक्रीज्ड ग्लोबल कंपटीशन एंड रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज आल्सो इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर्स ड्यूटीज। ये कह रहे हैं कि आजकल जो है द रिसेंट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, बैन अल-अक़वामी तौर पर जो माली जो है ना वो क्राइसिस आ रहे हैं, बहरान पैदा हो रहे हैं, और इसके नतीजे में फिर क्या होता है जब बैन अल-अक़वामी तौर पर इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में फाइनेंस का मसला पैदा होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, तो उसके जवाब में गवर्नमेंट फिर कानून बनाती है, और ये जो कानून बनते हैं, और फिर इसके अलावा इंक्रीज ग्लोबल कम्पिटिशन, पूरी दुनिया में एक कंपटीशन भी जारी है, पूरी दुनिया के ममालिक जो हैं वो सब हर कोई कोशिश कर रहा है, उनमें कंपटीशन पैदा हो रहा है, एंड रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, और बड़ी तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नई नई मशीनरियाँ, नई नई अप्रोचेज आ रही हैं, आल्सो इंक्रीजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ, इन सब की वजह से, ये ऊपर वाली जो बातें हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, गवर्नमेंट के कवानीन की वजह से, कंपटीशन की वजह से, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, जो फाइनेंस मैनेजर्स की ड्यूटीज हैं उनकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ गई है, और वो मुश्किल भी होती जा रही है, गुंजलक होती जा रही है, उनमें नई नई बातें आ रही हैं, मसाइल क्रिएट होते जा रहे हैं, यानी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है और इम्पोर्टेंट भी होती जा रही है फाइनेंस मैनेजर की ड्यूटी। इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन, पूरी दुनिया जो है वो चूंकि सिमट कर करीब होती जा रही है, फासले कम होते जा रहे हैं, बिल्कुल इस तरह ये आपके सामने है, मैं अपने घर बैठा हूँ और आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, तो ग्लोबल है, हालांकि फासला है बट हम करीब हैं, तो ग्लोबलाइजेशन चूंकि ग्लोब की शक्ल में हर चीज़ करीब हो चुकी है, हैज इंक्रीज डिमांड फॉर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, इसकी वजह से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो हैं, माली मामलात को समझने वाले लोगों की डिमांड बढ़ रही है, हु कैन मैनेज कैश फ्लोज इन डिफरेंट करेंसीज, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ करेंसीज, अपनी अपनी करेंसी है, उस मुख्तलिफ ममालिक की करेंसीज को मैनेज किया जा सके, एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिस्क दैट नेचुरली अराइज फ्राम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में जो रिस्क हैं, जो फ्रॉड हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम पेश आ सकते हैं, उसको वो भी मैनेज कर सके। तो आज हमने बेटा 7 स्लाइडें पढ़ी हैं, मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी हैं, इसी को आप स्लाइडों को, ये स्लाइडें भी मैं शेयर कर दूंगा, 7 स्लाइडें जो हैं ये भी आपने देखनी है, और इनके साथ साथ जो थ्योरी नोट्स की शक्ल में है वो भी मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे आपको कर दूंगा। मज़ीद आपको कोई प्रॉब्लम भी शायद तो यहाँ भी आप मेरे साथ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, और अभी भी वो कोई बात कोई आप में से करना चाहता है तो कर सकता है, बात पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, कोशिश करेंगे इसको इम्प्रूव करने की, जैसे जैसे आप बताते जाएंगे इसको इंशाल्लाह इम्प्रूव करते जाएंगे। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा बताएं।
क्यों भाई? सर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर हुआ है, बट द थिंग इज के लाइक मुझे ख्याल है कुछ स्टूडेंट्स को जूम यूज नहीं करना आता, उनका माइक म्यूट नहीं है, पीछे शोर बहुत है, तो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट करें कि वो जब बैठते हैं अगर सवाल करना हो, कुछ भी पूछना हो, तो अपना माइक अनम्यूट कर दें, अदरवाइज वो प्लीज अपना माइक म्यूट रखें। ठीक हो गया बेटा, ये आपकी बात भी सुन लेंगे, मजीद उन्हें गाइड भी करेंगे। असल में सूरत हाल ये है कि मैं भी मतलब के रात जो है वो शहजाद साहब से मैंने पूछा है, गाइडेंस ली है, तो मेरे लिए भी नया है और स्टूडेंट्स के लिए भी नया है। तो इंशाल्लाह करो कोशिश करेंगे, मजीद गाइडेंस भी उन्हें देंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। कम अज़ कम आप ये करें कि आपकी जो फेलोज हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको आप ज़रूर गाइड करें, उन सबको बिठा के समझा दें कि उनके लिए कम अज़ कम आसानी हो जाए। और अगर लड़कों में से मैं देखता हूँ कि किसी को अगर गाइड अच्छी तरह आता है तो हम उनको बुला के भी गाइड कर देंगे। ठीक है बेटा? जी सर, ठीक है, ओके। हाँ, तो ये अपनी फैलोज को आपने गाइड करना है, लड़कों को फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, उनका एक सेशन करवा देंगे, उन्हें इस्तेमाल करना भी समझा देंगे ना। आज के लिए काफी है बेटा। जी सर, थैंक यू। ठीक हो गया बेटा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी तकरीबन 9 बजे, इंशाल्लाह हम बैठा करेंगे हर रोज, अल्लाह खैर करे। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। जी सर, अल्लाह हाफिज।